Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel, Bushra ki recipes and remedies. Aaj mashallah ye main beautiful sa cake jo maine banaya hai iski recipe share karungi. Ye maine national day pe banaya tha. 2nd December ko yahan pe national day manaya jata hai. To I hope you guys will love it. Aaj ki ye video meri thodi different hone wali hai. To aap log meri ye video full watch kijiyega. I hope you guys will love it. एक क्विक सा डेमो दूंगी मैं अपनी इस रेसिपी का और कुछ मोमेंट्स शेयर करूंगी. मैंने 14 अगस्त को हार्ट केक बनाया था वनीला फ्लेवर में, तो आज मैं चॉकलेट फ्लेवर में आप सबके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूंगी. अपनी इस वीडियो में ऐसे प्यारे प्यारे से मोमेंट्स आपसे शेयर करूंगी. प्लीज़ वॉच माई फुल वीडियो एंड हिट द लाइक बटन. और ये मैं माशाल्लाह मेरी बेटी ने बनाया था नेशनल डे पे कार्ड, तो सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर दूँ. मैंने प्लेन वनीला में बनाया था और 14 अगस्त का बना था. उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी. और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए. और बैटर तैयार करने से पहले सबसे पहले प्री हीट होने के लिए हमने ये पतीला रख देना है. मैंने तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले ही प्री हीट होने के लिए लो फ्लेम पर इसको रख देना है. और मैं सारी बेकिंग पतीले में ही करती हूँ. और यहाँ सबसे पहले हमें 2 अंडे चाहिए होंगे. और ये परफेक्ट रेसिपी है, आप प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा. और साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी शुगर. शुगर जो है ये बारीक वाली है, ये मोटी वाली चीनी नहीं है, ये बारीक है. तो ये इसको मैंने ग्राइंड भी नहीं किया. और ये जैसे जैसे मैं इसको मिक्स करूँगी ये खुद ही डिज़ोल्व होती जाएगी. टोटल यहाँ पे मैंने 7 स्पून शुगर के ऐड किए हैं. और इनको मैं आपस में अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो है ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएँ, डिज़ोल्व हो जाएँ. ये बहुत बेसिक सी रेसिपी है और ये बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ईजी मेथड है. 2 से 3 मिनट हम इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे. और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी ऑयल. ऑयल मैंने यहाँ पे लिया 10 टेबल स्पून. मैं यहाँ पे मयरिंग कप्स यूज़ नहीं करी, नॉर्मल स्पून्स यूज़ कर रही हूँ. तो ये मैंने 10 स्पून्स ऐड किए हैं. और इनको आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे. और ये बहुत बेसिक और बहुत ईजी सी रेसिपी है, तो आप सब ज़रूर ट्राई करिएगा. मैं नॉर्मली इसी तरह से कभी कभी बनाती हूँ, मैं कोई मयरिंग कप्स हमेशा यूज़ नहीं करती. बहुत इजी और बेसिक सी रेसिपी है, आप सब ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा. तो जैसे ये ऑयल अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएगा, तीनों चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई, उसके बाद हम इसमें मैदा और दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे. और यहाँ पर शुगर भी बहुत अच्छे से आपस में डिज़ोल्व हो चुकी है. और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये वनीला एसेंस, ताकि इसकी अच्छी सी एक स्मेल आ जाए. तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड कर दिए हैं वनीला एसेंस के. और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी इस तरह से. सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये मैदा. मैदा यहाँ पे मैंने लिया है टोटल 8 टेबल स्पून. तो ये परफेक्ट इसके जो है मेथड और इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं. तो यहाँ पर मैंने 8 टेबल स्पून मैदे के ले लिए हैं, वो ऐड कर दूँगी. और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी कोको पाउडर. कोको पाउडर यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून ऐड करने हैं. मैंने अभी 1 टेबल स्पून ऐड किया है, बट बाद में मैं 1 टेबल स्पून और ऐड करूंगी. और अब मैं 1/2 टीस्पून यहाँ पे बेकिंग सोडा ऐड किया था और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर ऐड किया था. तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐड करने के बाद इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि ये सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएँ, एक प्यारा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए. बट अभी ये थोड़ा सा इस तरह से दिख रहा है, क्योंकि इसमें हमने मिल्क ऐड नहीं किया, क्योंकि इसका जो टेक्सचर स्मूथ होगा वो होगा मिल्क से. मिल्क यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप, ऑलमोस्ट 10 टेबल स्पून आप कह लें. तो मैंने यहाँ पे 1/2 कप मिल्क का ऐड करना है. तो इस क्योंकि इसका यहाँ पे सारा जो टेक्सचर है केक का, वो सारा मिल्क पे डिपेंड है. हम जितना इसमें मिल्क ऐड करेंगे, जो बैटर है वो उतना ज़्यादा स्मूथ और प्यारा और सॉफ्ट सा बनेगा. तो हमने इसको जो मिल्क है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और मिक्स करते जाना है. एकदम से बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर देना, बिल्कुल स्लो स्लो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से हमने ऐड करना है. और साथ साथ हमने इस तरह से मिक्स करते जाना है. इन सब चीज़ों को आपस में बहुत अच्छी से मिक्स हो जाएंगे. अभी यहाँ पे इसका जो चॉकलेट कलर है वो थोड़ा लाइट है. मैं बाद में 1 टेबल स्पून इसमें कोको पाउडर की और ऐड करूँगी, ताकि ये बिल्कुल जो चॉकलेट का कलर होता है डार्क में वो आएगा उससे. बट पहले मैं सारा ये मिल्क ऐड करके इनको आपस में एक अच्छा सा स्मूथ सा टेक्स्चर दे दूँ. तो यहाँ पे ये बैटर का सारा कमाल होता है, यहाँ पे सारा कमाल होता है, कि जितना अच्छा आपका ये बैटर होगा आपका केक उतना ही प्यारा और ज़बरदस्त और सॉफ्ट बनेगा. तो ये देखें यहाँ पे ये वाला इसका ये टेक्सचर आ चुका है. तो अब मैं इसमें ऐड करी 1 टेबल स्पून कोको पाउडर का. तो अब जो इसका कलर आएगा जैसे चॉकलेट कलर होता है वो इसमें आप देखेंगे इंशाल्लाह.
और ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। मैं इसी तरह से हमेशा माशाल्लाह बनाती हूँ और मैंने बहुत सारे केक की रेसिपीज़ शेयर की हैं अपने चैनल पे, आप वो देख सकते हैं, मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। तो कोको पाउडर डालने के बाद मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून और मिल्क की ऐड की है ताकि वो जो पेस्ट है वो थोड़ा स्मूथ सा हो जाए। और ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा स्मूथ सा इसका टेक्स्चर हो चुका है और बहुत बहुत खूबसूरत और सॉफ्ट इसका टेक्स्चर है। मुझे ये हार्ट शेप बहुत पसंद है तो मैं ऑलमोस्ट काफ़ी सारे केक्स मैं इसमें बना चुकी हूँ, शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं हार्ट केक का मैंने मोल्ड लिया है, उसमें मैंने ऑयल लगाया था और बटर पेपर ऐड किया इस बार और ऊपर फिर से ऑयल ऐड कर दिया। तो अब मैं सारा बैटर जो है ये सारा कुछ भी वेस्ट नहीं करना, सारा बैटर जो है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको इक्वल कर लेना है थोड़ा सा इस तरह से ताकि वो एक जगह पर इकट्ठा ना रहे। तो मैं इसको थोड़ा सा डैप कर लूँगी ताकि ये इसकी एक्सेस एयर वो बाहर निकल जाए। यहाँ पे जो पतीला था उसको 20 मिनट हो चुके हैं, प्री हीट हो चुके हैं लो फ्लेम पे। तो अब मैंने इसमें डाल दिया अपना मोल्ड और ये बेक होने के लिए हमने रख देना है तकरीबन 30 से 35 मिनट में ये बेक हो जाएगा। और इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम लो पर मैंने रखी हुई है और जब तक जो केक है वो हमारा तैयार हो रहा है मैं यहाँ पर अपनी आइसिंग की रेसिपी जो है वो रेडी कर लूँगी। यहाँ पर मैंने फुल पैक एक लिया था क्रीम का, स्मॉल पैक लिया था फ्रेश क्रीम का, और पहले मैं उसको लो फ्लेम पे बीट करूँगी और बाद में उसमें जो पाउडर शुगर है वो ऐड करके इसको अच्छे से बीट कर लूँगी। तकरीबन 5 से 10 मिनट लग जाएंगे इसको बीट होने में। और यहाँ पे मैंने 1 कप पाउडर शुगर का ऐड कर दिया और मैं इसको बीट कर लूँगी, मज़ीद बीट करेंगे जब तक कि ये जो क्रीम है वो थोड़ी सी हार्ड फॉर्म में ना आ जाए। और तकरीबन 5 से 10 मिनट लगे हैं मुझे इसको इस फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि ये क्रीम जो है वो उस टाइप की नहीं है, बट फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि इसकी केक की जो है जिस तरह से केक के ऊपर होती है वैसी हो जाए। तो ये ऑलमोस्ट 100% वैसी नहीं थी बट ऑलमोस्ट वैसी ही है। तो ये माशाल्लाह यहाँ पे अच्छे से बीट हो चुकी है, मैंने इसको बीट कर लिया और अब मैं इसको जो मेरा केक मैं उसकी वीडियो जो है वो शूट करना मेरे से मिस हो गया। तो यहाँ पर जो मेरा केक जो था वो बेक हो चुका था, मैंने इसको हाफ़ कट कर लिया, उस हाफ़ का मैं ट्राइफल बना लूँगी चॉकलेट ट्राइफल, बट मुझे ये इतना ही चाहिए था साइज़ में। तो मैंने इस पे सारी क्रीम अप्लाई करके और मैंने क्रीम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक में रेड फूड कलर डाल दिया, एक में ग्रीन फूड कलर डाल दिया और इस तरह से मैंने अपना केक जो था उसको डेकोरेट कर लिया। और आप आगे मेरी वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, आगे मैंने और भी बहुत प्यारे से मोमेंट्स शेयर किए हैं। तो मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसी लगी, एंड हैप्पी नेशनल डे।